गुनाहों की मौत हो चुकी है, बेगुनाहों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन इन मौतों का जो जिम्मेदार है कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी 2015 को तस्वीर आई थी पेटलावत की, जिसमें लगभग 80 कई लोग घायल हुए थे। उस वक्त बात कही जा रही थी कि पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे जो अवैध संचालित पटाखा फैक्ट्री है या तमाम ऐसे जो लोग हैं जो मौत करते हैं। बिल्कुल रोकना चाहूंगा मैं मिथिलेश आपको, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ा अपडेट यह है, हरदा विस्फोट की जांच के आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने एक समिति कमेटी बना दी है, कमेटी में 6 सदस्य शामिल हैं जो जांच करेंगे। हरदा विस्फोट की जांच होगी, पटाखा फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ, जो हादसा हुआ, उसकी जांच करेगी ये कमेटी जिसमें 6 सदस्य शामिल हैं, और जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर में विस्फोट आप देख सकते हैं किस तरीके से हुआ, दूसरे में विस्फोट के बाद जो मंजर था, भयानक मंजर था, वो आप देख रहे हैं। मिथिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आप बता रहे थे कि ये फैक्ट्री अवैध थी, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी ये निकलकर सामने आ रही है जो हरदा SDM